हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मम्मीज़ ब्लॉग में आपका बहुत स्वागत है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, बारिश का मौसम है तो इस मौसम में आज हम गुजराती फाफड़े बनाएंगे। ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये एक बॉल के करीब मैंने बेसन लिया है, आधे बॉल तेल लिया है और ये नमक लिया है, अजवाइन है और मीठा सोडा है और हींग है। इन सबको मिला के फाफड़े बनाएंगे। तो ये एक बॉल, बड़ा बॉल है, ये मैं बेसन डाल देती हूँ इसमें और आधी बॉल के करीब तेल है मोइन के लिए और इसके अंदर ये आधी चम्मच हींग डालूँगी। इसका फ्लेवर बहुत मस्त आएगा फ्रेंड्स। और मीठा सोडा, नमक और अजवाइन, ये सब मैं तीनों चीज़ें इसमें डाल दूँ। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, ज़्यादा टाइट नहीं और थोड़ा सा सॉफ्ट डो बनाएंगे। पानी थोड़ा थोड़ा ही डालना है, नहीं तो एकदम गीला हो जाएगा। तो ये डो हमारा बन गया है और अब इसके ऊपर मैं थोड़ा तेल लगा लेती हूँ, क्योंकि हाथ थोड़े चिपकते हैं इसलिए थोड़ा तेल लगाते हैं। अब मैं इसको एक पॉट में निकाल लेती हूँ, तेल लगा के रख देती हूँ करीब 15 मिनट के लिए, ढक देती हूँ। ये तेल गर्म होने रख दिया है और 15 मिनट हो गए हैं। ये डो हमारा अच्छा सेट हो गया है। अब इसके ऊपर थोड़ा तेल लगाएंगे हम और थोड़ा सा और अच्छी तरह से गूंद देंगे ताकि और अच्छा हो जाए, फाफड़े अच्छी तरह बनेंगे। तेल हमने मीडियम गैस पे गरम करने रखा है, हाई गैस नहीं करनी है। ये देखिए मैं किस तरह से बना रही हूँ। पहले एक छोटी सी नींबू जैसी गोल बॉल सी बना ली और उसको इस तरह से छोटी छोटी लंबाई में पीसेज कर लेंगे। इस तरह से मैंने छोटे छोटे पीसेज कर लिए, सभी बॉल्स बना के लंबे छोटे पीसेज कर लिए, ज़्यादा बड़े नहीं करे। और थोड़ा सा अब हम ये शीट फैला ली है मैंने, कोई भी प्लास्टिक की शीट ले सकते हैं, और उसके ऊपर तेल लगाया है और ऊपर की तरफ भी तेल लगाएंगे, दोनों तरफ तेल लगाएंगे ताकि जब इसे फोल्ड करेंगे तो दोनों बीच में फाफड़ा आ जाएगा और अच्छी तरह सेट हो जाएगा। ये मैं नई ट्रिक बता रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि हाथ से अगर अपन स्प्रेड करते हैं इस फाफड़े को तो वो नहीं बन पाता है जो हलवाई लोग बनाते हैं। बस इस तरह से फोल्ड कर दिया शीट को और बेलन से थोड़ा हल्का सा फिरा लिया। तो ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगी फ्रेंड्स। फिर दूसरा फाफड़ा लिया, उसको मतलब बेला लोई को और इस तरह से थोड़ा सा फ्लैट कर दिया हल्का सा, तो शीट से जल्दी जल्दी निकलते भी जाएंगे और चिपकेंगे भी नहीं। तो इस तरह से सभी फाफड़े मैं बना लेती हूँ। तेल हमारा गर्म हो गया है, फ्लेम मीडियम है अभी, अब मैं लो कर दूंगी, लो टू मीडियम करते रहेंगे, फिर मीडियम कर देंगे फिर थोड़ा लो कर देंगे। तो इस तरह से हीट को मेंटेन रखेंगे। ये बारिश के मौसम में ये फाफड़े बहुत अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स, और इस ट्रिक से आप बनाएंगे तो आपके भी बहुत अच्छे बनेंगे, सबको पसंद आएंगे।
अगर हम हाथ से स्लैब के ऊपर गोल लोई लेके और उसको स्प्रेड करते हैं तो वो थोड़ा चिपक जाता है, होता नहीं है अच्छी तरह से। तो बिगनर्स के लिए ये अच्छे टिप्स हैं। थोड़ा सा इसको प्रेस करते रहेंगे हल्का सा, और फिर एक एक फावड़े को इस तरह से उलट देंगे। इनको ज़्यादा लाल नहीं करना है, लाइट ब्राउन हो जाएंगे ना तो वो प्लेट में आने के बाद भी थोड़ा सा गर्म रहते हैं तो सिक जाएंगे, नहीं तो ज़्यादा लाल हो जाएंगे अगर आप बाद में निकालेंगे। और ये इतने सॉफ्ट भी हैं, इनको आप तोड़ के देखेंगे तो इतने सॉफ्ट होंगे। देखिए मैंने सभी फाफड़े बना लिए हैं और एकदम खस्ता हैं, जल्दी से टूट जाते हैं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। और बरसात के मौसम में ये रेसिपी आपको बहुत मस्त लगेगी फ्रेंड्स। और इसके लिए मैं एक ट्रिक और बता रही हूँ कि मैंने देसी घी डाला है, एक चम्मच, एक डेढ़ चम्मच के करीब देसी घी डाला है। छोटी सी कढ़ाई ली है मैंने, ये जो मसाला बना रही हूँ ये इसके फाफड़ा के ऊपर लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब एकदम हल्की सी गरम करनी है, बहुत तो हल्का सा घी गरम करना है और गैस बंद कर देनी है, नहीं तो हमारा मसाला जल जाएगा। गैस बंद कर दी मैंने, मसाले के लिए मैं सिंपल से मसाले ले रही हूँ। थोड़ा सा घी को हिला लिया है मैंने, जरा से मिर्च डाल के देख लिए ताकि ज़्यादा तेज़ होगी, अगर अपन सारी मिर्च डाल देंगे तो जल जाएगी। तो चिमटी भर मिर्च डाल के देखिए, अभी थोड़ा सा ठंडा होना है घी को। घी ठंडा होने का वेट कर रही हूँ मैं। और ये मसाला फाफड़ों के ऊपर मैं लगाऊंगी तो बहुत मस्त लगेगा फ्रेंड्स, आप भी ट्राई करना, ये बहुत अच्छा लगता है। ये हल्दी ली है मैंने थोड़ी सी, और इसके साथ ही मिर्च भी ली है। ये हल्का सा गर्म है तो आप देख सकते हैं हल्की सी सिक रही है मिर्च। और ये हींग भी डाल दिया आधा चम्मच, थोड़ा सा नमक डालेंगे। एकदम गैस बंद है और ठंडी हो रही है कढ़ाई, और भी बबल्स दिख रहे हैं आपको फ्रेंड्स। कढ़ाई नीचे उतार ली है क्योंकि गैस के ऊपर भी थोड़ी गर्म रहती है हल्की सी, एकदम ठंडी कर दी है। और मैंने ब्रश से हिला रही हूँ उसको, और ब्रश से ही मैं सारे फाफड़ों के ऊपर ये मसाला लगाऊंगी। इतना मस्त लगता है ये मसाला, बहुत ही टेस्टी लगता है। और गर्म जब फाफड़े होते हैं ना तभी आप उसी वक्त लगाइए। तो मसाला सारा चिपक जाएगा उसके ऊपर और बहुत ही टेस्टी लगेगा। और ये टिप आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ये आपके ज़रूर काम आएगा, यूज़फुल टिप है। इतना टेस्टी लगता है ये मसाला इसके ऊपर लगाने से। और ये मसाला लगाने के बाद आप थोड़ा सा चाट मसाला भी इसके ऊपर हल्का सा छिड़क सकते हैं, तो दोनों का मिक्स टेस्ट और भी अच्छा आएगा। और इसी मसाले में आप जिस टाइम सर्व करें थोड़ा सा नींबू हल्का सा डाल दीजिए तो और भी टेस्टी लगेंगे फाफड़े। बस आप बना के रख लीजिए, स्टोर भी करके रख सकते हैं, और जब कोई गेस्ट वगैरह आए या आपका मन हो खाने को तो आप उसी वक्त ये मसाला बना के उसके ऊपर स्प्रेड कीजिए। थोड़ा चाट मसाला हल्का सा डाल दीजिए, हल्का सा नींबू भी डाल दीजिए इसी मसाले में,
इतना मस्त लगेगा ये टेस्ट। तो ये फाफड़े हमारे बन गए हैं, मैंने इनको कितने मस्त लग रहे हैं। ये हरी मिर्च है छोटी सी प्याली में, इस मिर्च को मैंने फ्राई कर लिया था और इसमें सिर्फ मैंने नमक अमचूर थोड़ी सी डाली है। तो हल्का सा मसाला डालने से ये फ्राइड मिर्च इसके साथ बहुत अच्छी लगती है। और आप चटनी भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स, चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं उसके साथ लगा के, और फिर ये मसाले वाले फाफड़े बहुत ही मस्त लगेंगे। तो आप बताएंगे कि रेसिपी कैसी लगी। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।